थाना शाहगंज के कोठी मीना बाजार के पास हुए सड़क हादसे में बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं महिला की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर दी, जिसके बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दे जाम खुलवाया। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार के पास कार और एक्टिवा में भीषण भिड़ंत हुई थी। इस हादसे में एक्टिवा पर सवार एक महिला जो बारिश में भर कर चल रहे नाले में जा गिरी थी, वहीं महिला की मौत हो गई थी। बच्चे का उपचार चल रहा है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों ने शव को घटनास्थल पर रखकर जाम लगा दिया है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं ACP लोहा मंडी ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अन्य आरोपियों को भी चिन्हित कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अगला भाई, क्या कुछ मामला हुआ था आज? ये जो हुआ था कि माँ बेटे आ रहे थे दोनों, एक पीछे से कार आई जी, उसमें धमकी पीछे से एकदम जी जी, और चार जने थे। अच्छा, कौन कौन थे कुछ पता चला? गाड़ी पकड़ ली। आज जो आप बॉडी को लेके आए हैं, बीच रोड जाम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या चाहते हैं, क्या मंशा है? मतलब एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। बच्चे की हालत गंभीर, बच्चा मतलब जो बच्चा था उसकी हालत। क्या मांगे हैं आपकी? गिरफ्तारी हो। कौन थी आपकी ये जी? आपकी धर्म, आपकी पत्नी थी। अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। देखिए, कल बहुत दुखद घटना हुई थी जिसमें जो है एक महिला एक्सपायर कर गई थी, लेकिन उसके बच्चे को बचा लिया गया था, नाले में गिरकर मृत्यु हुई थी। उसमें कल रात को जो है FIR के लिए तहरीर ले ली गई थी, FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग थे उसमें, मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनको आइडिया नहीं था FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई है और तहरीर क्या ली गई है। तो उनको समझाया गया, उनकी मांगे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से हैं कि उनके बच्चे के इलाज के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाए और जो डेथ हुई है उसके लिए मुआवजा दिला पाए। तो इस पे आज वो अपने जो है प्रस्तुत करेंगे अपने जो मांगे हैं, और उच्च अधिकारियों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से। और बाकी जो है उसमें एक अपराधी जो है उसको पकड़ लिया गया है, बाकी और भी लोगों की जाँच चल रही है, जो भी इसमें संदिग्ध होंगे उनकी गिरफ्तारी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।